Assalamu alaikum dear students, welcome in first year computer studies class. We are discussing chapter number 1 and this is our lecture number 2. Our today's topic is central processing unit. When we talk about central processing unit, means we are talking about a system which controls the entire system running in the computer system. सो स्टूडेंट से जब हम इनको डिस्कस करेंगे तो ये हमारे पास वो चीज़ें इंक्लूड होंगी जो हम इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे, देन वो चीज़ें भी इंक्लूड होंगी जो हमारे अभी करंट टॉपिक में शामिल हैं. कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आगे चल के एक लॉन्ग टॉपिक के तौर पे आएंगी और कुछ हमारे पास जस्ट एज ए डेफिनेशंस इंक्लूड होंगे. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बेसिक डेफिनेशन, मेनली सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स. हमारे पास जो कंप्यूटर होता है उसकी तीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पॉइंट्स होते हैं, जिसमें इनपुट वाइज होती है, आउटपुट वाइज होती है और हमारे पास सीपीयू इटसेल्फ कहलाता है. देन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो डिवाइड किया जाता है दो, अगेन दो पार्ट्स में, जिसको हम करते हैं ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट मींस CU. अब इसकी बेसिक डेफिनेशन हम यूं कह सकते हैं, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस. यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ कंप्यूटर ब्रेन. अब हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट जिसको हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं. अब जब हम ब्रेन इसको कह रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ से ही तमाम इंस्ट्रक्शंस जनरेट होती हैं और यहाँ से इनको कंट्रोल किया जाता है. द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ इन द फॉर्म ऑफ रॉ डेटा. जितना भी हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, नॉर्मली जब माइंड से वो हम कोई भी चीज़ सोचते हैं तो एक रॉ मटेरियल में होते हैं और उसी के अगेंस्ट कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है. फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब माइंड में मुझसे इंस्ट्रक्शंस ये जनरेट हो रही है कि मुझे साउंड जनरेट करना है, देन मैंने अपने सिस्टम को भी कंट्रोल करना है, मेरे हाथ, मेरी टंग, इस टाइप के बहुत सारे ऑपरेशंस सिमिलरली साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रहे हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU. देन जब हम इस चीज़ पे आते हैं तो हमारे पास जो मेन चीज़ आती है वो आती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. द LU, ALU एंड CU आर द कंप्यूटर सिस्टम. जैसे मैंने आपको बताया कि हम CPU को दो मेजर जो पार्ट्स हैं कंट्रोल यूनिट में, प्रोसेसिंग यूनिट को डिवाइड करते हैं, जिसको ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट CU कहते हैं. अब जब हम अर्थमेटिक लॉजिक की बात कर रहे होते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि व्हेन द कंट्रोल यूनिट इनकाउंटर्स एन इंस्ट्रक्शंस दैट इन्वॉल्व्स अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस, इट पासिस कंट्रोल टू द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम पार्ट, जो कि CU कहलाता है, और CPU जो है उसी के अगेंस्ट फिर आगे उसकी हेल्प से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है. तो हमारे पास जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो विद हेल्प ऑफ ALU एंड CU होता है, और इसमें डिफरेंट पार्ट्स को जैसे हम कैलकुलेशंस की बात कर रहे होते हैं या कोई डिसीजन मेकिंग हो रही होती है या कोई ऐसी टास्क हम जनरेट करते हैं जिसके ऊपर सिस्टम जो है वो डिफरेंट पार्ट्स को इन्वॉल्व करता है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, या रैम हो गई, मेमोरी होगी आपकी, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और इस फंक्शन को कंट्रोल भी किया जाता है. ये हमारे पास बेसिक एक स्ट्रक्चर है जो कि आपकी बुक में भी गिवन है. हम इस ग्राफ में देख सकते हैं, इस फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास एक कंट्रोल यूनिट सेंटर में मौजूद है और उसके थ्रू हमने लिंक किया हुआ है डिफरेंट कंट्रोल यूनिट्स को, और वो लिंक है एक दूसरे से एरो से. सबसे जो लेफ्ट मोस्ट अपर पार्ट है उसमें हम देखें कि कंट्रोल यूनिट जो है उसको इनपुट डिवाइसेस डायरेक्ट कर रही है, वहाँ से डेटा आ रहा है, और वहाँ उसी के नीचे बॉटम में आप देखें कंट्रोल यूनिट से आउटपुट डिवाइसेस कंट्रोल हो रही हैं.
देन मेमोरी आप देखें वो आपको नज़र आ रही है, मेमोरी कंट्रोल यूनिट से एक्सचेंज ऑफ डेटा है, आप इंस्ट्रक्शन सेंड भी कर रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं। सिमिलरली आपके पास एक्सटर्नल स्टोरेज और अरिथमेटिक यूनिट जो है, लॉजिक यूनिट, वो भी सिमिलरली बोथ एंड पे इंस्ट्रक्शंस रिसीव भी करता है और इंस्ट्रक्शंस डिलीवर भी करता है। तो जब हम इंस्ट्रक्शंस को सेंड एंड रिसीव कर रहे होते हैं तो तब हमें पता चलता है कि हमारे पास कोई ऑपरेशन हो रहा होता है। ये आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग का मेन डायग्राम है जो कि आपके एग्जाम में भी आ सकता है और एग्जामिनर किसी वे में भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जनरेट कर सकता है। अब आपको एक इनपुट डिवाइसेस नज़र आ रही हैं, आउटपुट डिवाइसेस है, अरिथमेटिक है, मेमोरी है, ये तो ये आने वाले चैप्टर्स में आपके पास कंप्लीट टॉपिक्स और चैप्टर्स बनने जा रहे हैं। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज दिस सब जो इसके साथ इंक्लूड हैं फंक्शंस, उनको कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं या क्या होते हैं। इस टॉपिक में हम जर्नली इनको डिस्कस करेंगे, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग जो भी आपको यहाँ पे मेमोरी और ये जो भी आपको फंक्शंस नज़र आए थे उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इनपुट दिस इज अ प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा और प्रोग्राम्स टू द कंप्यूटर सिस्टम। अब जैसे ही हम कोई भी इंस्ट्रक्शन जनरेट करते हैं तो उसके लिए कोई भी एक कॉल की जाती है या एक जो है कोई एक्टिविटी प्रोड्यूस की जाती है जिसकी बेस पे कंप्यूटर उस डेटा को रिसीव करता है और उसके अगेंस्ट सेवरल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। अब हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं, इनपुट डिवाइसेस हमारे पास हैं, जैसे हम माउस से क्लिक कर रहे होते हैं या कीबोर्ड से दे रहे होते हैं, इस टाइप के आगे बहुत सारी डिवाइसेस आएंगी जो के डेटा लेते हैं हमसे, मींस यूज़र से, और कंप्यूटर जो के एक ऑर्गेनाइज मैनर में परफॉर्म कर रहा होता है इंस्ट्रक्शंस को, देन उसके ऊपर प्रोसेसिंग हो रही होती है। सिमिलरली हमारे पास आउटपुट है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट फ्रॉम द डेटा फॉर गेटिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। सिमिलरली द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग मस्ट बी एबल टू कीप समवेयर इन साइड द कंप्यूटर बिफोर बींग गिवन टू यू इन ह्यूमन रीचेबल फॉर्म। अब होता ही है कि हम इनपुट जैसे प्रोसेस करते हैं कंप्यूटर सिस्टम उसके अगेंस्ट बहुत सारी ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, बहुत सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को इन्वॉल्व करता है और उसके बाद प्रोसेस करने के बाद कहीं मेमोरी में वो डेटा स्टोर भी हो रहा होता है और देन ह्यूमंस को वो उसका रिटर्न भी मिल रहा होता है। तो ये कंप्यूटर जो है हम जो डेटा होता है वो कंप्यूटर में सेव भी कर रहे होते हैं और ह्यूमन को इंफॉर्मेशन भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। तो ये हमारे पास आगे चल के इनकी पूरी डिटेल्स आने वाली। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, आफ्टर यू एंटर डेटा थ्रू द इनपुट डिवाइसेस इट इज स्टोर्ड इन द प्राइमरी स्टोरेज यूनिट। द एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, वो ALU जो है वो क्या करता है कि वो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करता है जिनमें एडिशन आती है, सब्ट्रैक्शन आती है, मल्टीप्लिकेशन आती है, डिविजन्स आती हैं, लॉजिकल कंपैरिजन्स आती हैं और डिसीजन मेकिंग होती है। तो बहुत सारे टाइप का डेटा जब वहाँ पे कलेक्ट होता है तो उनकी बेसिस पे वहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो जब डेटा रिसीव हो जाता है तो उसके बाद उस पर कोई ना कोई प्रोसेस होता है, एडिशन है तो एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, कंपैरिजन है, कोई भी ऑपरेशन जो आप चाहते हैं वो परफॉर्म होगा और देन वो डेटा रिटर्न हो जाएगा कहाँ पे, स्टोरेज यूनिट को, और फिर फर्दर प्रोसेस के लिए या तो स्टोर हो जाएगा या उसका आउटपुट आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होता है। तो इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट हमारे पास जो है वो नेक्स्ट कंपोनेंट है, उसमें क्या कहते हैं कि वो एक सुपरवाइजर की तरह जो है वो एक्ट कर रहा होता है और डिफरेंट फंक्शंस को प्रॉपरली रन करने के लिए वो एज ए सुपरवाइजर काम कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल थिंकिंग लाइक प्रोसेस
तो हम बात कर रहे थे कि जैसे हमारे पास सीयू है, वो एक क्या करता है कि एक कंट्रोल यूनिट, एक सुपरवाइजर की काम कर रहा होता है, उसको डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स और डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूट करनी होती हैं, और वो स्विचिंग बोर्ड का भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है कि सेवरल यूजर्स जो हैं वो सेम इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो सेमनटेनियसली उनको वो क्या करता है, डेटा को प्रोवाइड कर रहा होता है, और उनके साथ कोऑर्डिनेशन में होता है कि कौन सी डिवाइस, जो कि पेरिफेरल डिवाइस भी हो सकती है या कोई और डिवाइस हो सकती है जो कि आपके सिस्टम के साथ अटैच है, और वो आपके सिस्टम से इनपुट भी ले रहा है, आउटपुट भी दे रहा है, फर्दर ऑपरेशंस भी परफॉर्म हो रहे हैं, और डिफरेंट टाइप के यूजर्स जो हैं डिफरेंट टाइप का डेटा एक्सेस कर रहे हैं और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो कंट्रोल यूनिट का बेसिक पर्पज़ ये होता है कि वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को एक ऐसे सुपरवाइजर की तरह एग्जीक्यूट कर रहा होता है, उनको मैनेज कर रहा होता है, जिसके थ्रू हर जॉब्स आपकी साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रही होती है। फॉर एग्जांपल, आपने अपने सिस्टम पे सॉन्ग्स लगा लिए, इंटरनेट ब्राउज़र ओपन कर दिया, वहाँ पे कुछ आप रन कर रहे हैं, देन आपने एमएस वर्ड ओपन कर लिया, देन आपने पेंट ओपन कर लिया, देन उसके साथ आपने ऑडियो सॉन्ग्स लगा लिए, तो बहुत सारे डिवाइसेस, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस एक साथ एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन आप सॉन्ग्स भी सुन रहे होते हैं, आपका डेटा भी डाउनलोड हो रहा होता है, देन आप अपने एमएस ऑफिस पे काम भी कर रहे होते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल यूनिट मैनेज कर रहा होता है। देन प्रोसेसिंग हमारे पास आती है, प्रोसेसिंग टास्क टू परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टेक्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द स्टोरेज यूनिट एंड टेक्स ऑल सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द टाइप ऑफ डेटा प्रोवाइडेड। अब जितना भी अब हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में, उसमें हमने देखा कि बहुत सारे ऑपरेशंस कंट्रोल यूनिट की तरफ से कंट्रोल हो रहे होते हैं और अर्थमेटिक लॉजिक वो ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब वो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग में काम हो रहा होता है उस ऑपरेशन को बेसिकली हम कहते हैं प्रोसेसिंग। देन कंट्रोल है मैनर हाउ इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड एंड द अबव ऑपरेशंस आर परफॉर्म। अब वो जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे थे, कंट्रोल यूनिट बेसिकली उनको कंट्रोल कर रहा था, उसी फंक्शन को हम कहते हैं कि जो कंट्रोल यूनिट उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, इनपुट लेता है और आउटपुट प्रोवाइड करता है, उस सारे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जी कंट्रोल स्ट्रक्चर या कंट्रोल करने वाला मैकेनिज्म। तो ये चीज़ें हमारे पास आगे चल के डिटेल में आएंगी। देन आपने अपनी फिगर में एक देखा था, हमारे पास स्टोरेज का जिक्र आया था। स्टोरेज बेसिकली हमारे पास वो एक पाथ है जहाँ पे हमारे पास बहुत सारा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। सीपीयू या जो भी हमारे पास से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, वो उनको ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के बाद डेटा स्टोरेज पॉइंट में वहाँ पे डेटा को स्टोर कर रहा होता है, और इसमें स्पीड डेफिनेटली हमारे पास इंक्लूड होती है, कितनी स्पीड से डेटा आपके पास आ रहा है, कितनी स्पीड से आप उसको अपलोड कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, तो जितना सिस्टम आपके एफिशिएंट होगा उतनी ही आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। द स्टोरेज यूनिट परफॉर्म द फॉलोइंग मेजर फंक्शंस। ऑल डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड हेयर बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। तो जितना भी हमारे पास प्रोसेस हो रहा होता है उनको आफ्टर एंड बिफोर उनको स्टोर भी किया जाता है, एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग आर आल्सो स्टोर्ड हेयर। जितना भी डेटा प्रोसेस हो जाता है वो जो रिजल्ट्स बनते हैं उनको वहाँ पे स्टोर कर दिया जाता है। तो ये बेसिकली स्टोरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि नॉर्मली हम हार्ड ड्राइव में डेटा स्टोर कर रहे होते हैं और वहीं से एक्सेस हो रहा होता है, देन प्राइमरी रैम्स में आता है और रैम्स में फिर वो डेटा प्रोसेस हो रहा होता है। तो इन डिटेल हम आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में इनको स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस किया। ये टॉपिक आपकी बुक पेज नंबर 16 से स्टार्ट हो रहा है और ये जाएगा 17। तो 16, 17 ये आपके पास
बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये चैप्टर आपको यूट्यूब चैनल्स पे भी मिल जाएगा मेरे, शायद शहजाद बाजवा पे आप सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक को भी ज्वाइन करें शायद शहजाद बाजवा के नाम से, और वहाँ पे आपको फर्दर ये लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे एक स्केड्यूल जो हमने डिसाइड किया उसके थ्रू ले